अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आलू की खुदाई के लिए कपूरथला के गांव मनसाहिया गए लेबर का कार्य करते 56 जनों के वापस गिद्दरबाहा पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग गिद्दरबाहा की ओर से उनका चेकअप किया गया, जिसके बाद उनको आगामी 14 दिनों के लिए भारू चौक स्थित छुट्टियों में रहने की सख्त हिदायत जारी की गई है। इनके आने की खबर स्वास्थ्य विभाग गिद्दरबाहा को अपनी आशा वर्करों के जरिए मिली थी। इनमें 14 पुरुष, 16 महिलाएं व 26 छोटे बच्चे शामिल है, जिनका चेकअप सिविल अस्पताल के डॉ जशन व उनकी टीम की ओर से किया गया। SMO गिद्दरबाहा डॉक्टर प्रदीप सचदेवा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में काम करती आशा वक्रज ने उनको सुबह सूचित किया कि भारू चौक स्थित चुगी झोपड़ियों में कपूरथला से 56 जनों का एक समूह जो कि लेबर का कार्य करता है गिद्दरबाहा गत रात्रि व सुबह के समय पहुँचा है। गिद्दरबाहा पहुँचे मिट्टी मंडल ने बताया कि करीब एक माह पहले आलू की खुदाई के लिए कपूरथला के गाँव साहिया में गए थे, मगर इस दौरान कोरोना वायरस के चलते लगे कतीन रेयू की वजह से वे वहीं फंस कर रह गए थे। कहाँ गए हुए थे आप, कब गए थे? गए थे गले से महीना हो गया था, मनसैया गए थे आलू का सीजन लेने के लिए। तो हम लोग उधर जब ये मौसम आया तो हम लोग उधर फंस गए थे। हम लोगों को आने के लिए कोई गाड़ी उड़ी नहीं मिला तो हम लोग लिफ्ट लेके चले आए। यहाँ पे कौन छोड़ के गया आपको? यहाँ पे हमारे को मैजिक वाला छोड़ के गया। ठीक हो आप सभी? 56 बंदों को कैसे मिल गई लिफ्ट आपको? हम लोगों को लिफ्ट मांग के आए थे। नहीं, 56 के 56 एक गाड़ी में कैसे लिफ्ट लेकर आ गए? हम लोग थोड़ा दूर चले आए थे तो बैठ गया रास्ते में, तो थोड़ा दूर से उसने जुटवा लिया। आपको किसी ने रोका नहीं रास्ते में? नहीं, कोई नहीं रोका रास्ते में। किस तरह मोगा से आए हो आगे के या अपना लुधियाना आए? कोटकपुरा होते हुए आए थे। कोटकपुरा होते हुए किसी ने नहीं रोका रास्ते में? पुलिस ने या किसी हेल्थ डिपार्टमेंट ने या किसी और ने? नहीं रोका कोई। एक ही गाड़ी में थे 56 के 56? नहीं, उतना नहीं थे, हम तो 9 बंदे थे। 56 बंदे नहीं थे, 9 ही बंदे थे हम लोग। बाकी लोग भी आपके साथ ही आए सारे? नहीं, हमारे साथ नहीं आए, हम लोग 9 बंदे सिर्फ अकेले आए हैं। खास बात यह है कि कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर एक तरफ जहां सरकारों की ओर से लॉकडाउन कर लोगों को घरों में ही रहने की हिदायतें जारी की गई है, वहीं दूसरी ओर लोगों के बिना वजह इधर उधर घूमना व घरों से बाहर निकलना आने वाले समय के लिए घातक साबित हो सकता है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग गिद्दरबाहा भी मानता है कि जो जहां रहे वही सही है। सुबह इन्फॉर्मेशन मिली सी साड़ी आशा नूं कि रात सुबह कोई सवेर दे नाल कोई 50 जाने जिहड़े घर दीआं झुग्गियां च आए आ, वो उत्थों दे ही वासी है। कितें कपूरथले दे किसी पिंड च कोई आलू की खेती वास्ते गए सी, वो उत्थों सुबह सुबह वापस आए आ। उन्होंने चैकअप, उन्होंने एक बार चैकअप कर लिता गया सारिआं दा, सारे बिल्कुल ठीक है। उन्होंने नाले हदायत कर दी गई है कि वो अपने 14 दिन आपके अंदर ही रहन, एक दूजे नूं ना मिलन, सफाई बारे तो उन्होंने एक दूजे की डिस्टेंसिंग बारे उन्होंने चंगी तरह समझा दिता गया। जो कोई तकलीफ होना भी दसिया गया कि सानू नाल दी नाल हेल्थ डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करो। सर प्रीमियरली कोई इन्फॉर्मेशन सी इन्होंने आने की? साड़ी जी इन्फॉर्मेशन है सानू आशा नू मिली सी, झुग्गी ची कोई रहन दा जिहड़ा परसन आशा दे कॉन्टैक्ट सीगा, उन्हें आशा नू दसिया सी ते आशा ने कन्फर्म किया, तो उस तों बाद साड़ी टीम उत्थे। सर बीइंग ए मैडिकल अफसर की तुहानू लगदा कि इस तरह का जिहड़ा काम हो रहा यह गलत है जी, इस तरह होना? इस तो है कि बंदे जे जिथे रह रहे हैं उत्थे रहन तो वह सब तो बेहतर चीज़ है, क्योंकि रस्ते च कितें भी इनफेक्शन का खतरा होंगे, और जिहड़ी मूवमेंट पब्लिक की मूवमेंट नैचुरली ये है तो अजकल दे हालात के मुताबिक ठीक नहीं है। पर जिवें गोरमेंट ने किया भी चलो लेबर है जिहड़ी एक दूजे पासे जा सकती है, तो उस हिसाब नाल आपां जो साडा हेल्थ डिपार्टमेंट का बंदा है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ 12-13 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਆਏ ਆ ਜੀ? 13-1 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। गिद्दरबाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।